आप शिक्षा मंत्री प्राथमिक के भी हैं और माध्यमिक के भी हैं, उस शिक्षा के नीति निर्धारण आप देखिए, प्राथमिक माध्यमिक की एक तरह से होनी चाहिए, सेवा निरंतरता नियुक्ति तिथि से हमको मिलनी चाहिए, प्राथमिक भी और यहाँ भी, किसी को 14 से किसी को 20 से हम दुश्मन हैं क्या शिक्षा विभाग के? हमसे शत्रुवत व्यवहार करना कहिए नौकर साह छोड़ दे, खबरदार। प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षक शिक्षा मंत्री आया है, जमाना चला गया, इसीलिए उसको कह दीजिए प्राथमिक का भी यही नियम बनाइए कि निदेशालय से ही प्राथमिक की भी अवकाश तालिका जाए और माध्यमिक की भी जाए, ताकि एक रूपता रहे। इसमें क्या कोई पैसा नहीं लगेगा, एक पैसा नहीं। हम तो वित्त रहित सुझाव देते हैं, वित्त रहित सुझाव आप प्रोफेसर चंद्रशेखर दस्तखत करके कीजिए। इसमें ना तो आपको तेजस्वी जी से पूछना पड़ेगा और ना नीतीश बाबू से पूछना पड़ेगा, हम वहाँ आपको तुरंत जाने नहीं देंगे, जाना तो पड़ेगा लेकिन तुरंत जाने नहीं देंगे, और इतने में आपका भारी नाम हो जाएगा, भारी। क्योंकि शिक्षक शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आया, आई सब कमाल कर दिया। वेतन विसंगति, वेतन विसंगति कुछ नहीं है लेकिन बहुत ओझराहट भी है। एगो हमारा ये परवीन बाबू हैं, ये पप्पू कहता है अम्बेडकर हैं, भारी ओझराते हैं, रोज समझाते हैं हमको, पांडे जी को, MLC को, आप पहले हम लोगों को बुलाइए, 12 अक्टूबर को पदाधिकारी सबको बैठाइए। कहता क्या है, अच्छा प्राइमरी वाला को हो गया है ज़्यादा, तो वहाँ आपको भी पहुँचा देते हैं। गजब हलचल है, ये पप्पू है लंबा और रवि है नाटा, तो रवि जैसा बनाने के लिए पप्पू की गर्दन काट दीजिएगा, गजब हलचल है। अरे हमारा तो सब दिन ऊंचा वेतन मान है, सब दिन, अब प्राथमिक का नीचे है, हमको कहता है कि प्राइमरी के बराबर कर देंगे, मारेंगे सब तमाचा, प्राइमरी के बराबर कर दोगे कैसे? इसलिए इस सब में भी कोई वित्त नहीं, अब बिना वित्त नौकर साहब को अब चित कर दीजिएगा, एकदम चित कर, और कुछ नहीं, बाकी बात तो सब कह दी। मैं आप सभी का साधुवाद करते हुए अपनी दुख पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ। कई बातें आई है और यकीन मानिए, हम आज से कुछ दिन पहले संभवतः 23 तारीख को, जहाँ तक मुझे याद है, पिछले 23 को केदार बाबू के साथ हमारा 23 तारीख केदार बाबू पहले मिले थे, मैं उनका साधुवाद करता हूँ, और इन्होंने कुछ कहा उससे पहले मैंने कहा कि आप जैसे महारथियों की शिक्षा विभाग को ज़रूरत है, क्योंकि जो बातें चल रही है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, और कम्युनिकेशन गैप के कारण ही कुछ संदेह की स्थिति पैदा हुई है। तो मैं एक शिक्षक के रूप में इस संवादहीनता को दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सत्य है कि बिहार विकास के विश्वकर्मा नीतीश बाबू शिक्षा क्षेत्र में कई अभिनव क्रांतिकारी प्रयोग किए, मगर किसी न किसी कारण से उसमें जो कमी रह गई उसको कई कदम आगे ले जाना है। मसलन आप सबको पता है कि पोशाक योजना भारत में दूसरी जगह नहीं चलती थी, बिहार पर योग स्थल बना। प्रोत्साहन राशि योजना दूसरी जगह कहीं नहीं चलती थी, बिहार उसका प्रयोग स्थल बना। और साइकिल योजना भी देश के अन्य राज्यों में नहीं थी तो बिहार प्रयोग स्थल बना। तो बिहार में शिक्षा के संस्कार को, विरासत को वापस पाने के लिए
एक राज्याध्यक्ष का राष्ट्राध्यक्ष का जो काम होना चाहिए उनमें कोई कमी नहीं हुई, कहीं ना कहीं संवादहीनता की ही कमी है जैसा मैं समझता हूँ। और आप गुरुजनों से अभी मिल करके थोड़ी और आत्मबल मजबूत हुई है, संवादहीनता के कारण कुछ चूक हो रही है, लोच है। मैं इस मंच से ये कह सकता हूँ कि 23 तारीख की वो मीटिंग, केदार बाबू अचानक से कहीं प्रदेश विदेश चले गए दूसरे जगह कहीं, तो मैं जब खोजा 21 तारीख को कि केदार बाबू कहाँ हैं तो मालूम हुआ कि कहीं दूसरे जगह, अब किससे काम से गए होंगे नहीं कह सकते हैं। अगर केदार बाबू से वो वार्ता हो जाती विभागीय अधिकारियों के साथ तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैं 90% प्रिपेयर हो गया रहता, क्योंकि अपने अनुभव को जो हमारा अल्प अनुभव है, और आप हम मंत्री हो गए तो ऐसा नहीं है कि पहलवान हो गए हैं। अरे ये तो राजनीतिक प्रक्रिया में हमारे शिष्ट नेतृत्व ने सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आशीर्वाद और बिहार विश्वकर्मा विकास के विश्वकर्मा शिक्षा के प्रति चिंतित रहने वाले हर समय नीतीश बाबू और बेरोजगारों के प्रति चिंतित हमारे युवा आदर्श तेजस्वी जी के सहयोग से ये जगह मिला है, वरना और भी किसी को मिल सकता था। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे शिष्ट नेतृत्व ने मेरे ऊपर भरोसा किया, तो यकीन मानिएगा शत्रुघ्न बाबू मुझे ललबलुआ समझ के नहीं किया होगा। तो और मुझसे कोई काम करवा लेगा, अभी तक जो संचिकाएं आई हैं तो विभाग का आपको परिदृश्य भी मालूम हो जाएगा। खैर, मुझे सौभाग्य प्राप्त है इस बात का कि आप जैसे महारथियों का, चूंकि पटना दिल्ली संघर्ष सब देखता रहा, तो आप जैसे महारथियों का संपर्क और संसर्ग प्राप्त है। मैं लगातार व्यक्तिगत तौर पर भी समीक्षा कर रहा हूँ। हम AI फुकटो के जो अरुण बाबू हैं उनसे भी मशविरा किया हूँ, वो भी लिखित कुछ भेजे हैं, उस सब पर अभी वार्ता बाकी है। और आप शिक्षक संगठनों के साथ जब वार्ता होगी उसके उपरांत ही मैं किसी भी नीति पर हस्ताक्षर करूँगा। मेरे पास संचिका आई और आनंद फानंद में लोग चाहते, तो फिर जब तक मेरी समझ नहीं बनेगी और मैं अपने शिष्ट नेतृत्व से बात नहीं करूँगा, संशोधन का हर समय गुंजाइश होता है, किसी एक आदमी का ज्ञान सर्वोपरि नहीं होता है। और चूँकि शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ तो शिक्षा क्षेत्र तो हर समय ज्ञान प्राप्त करने का स्कोप रखता है। अगर कोई मैं यह समझ लूँ कि मंत्री हो गया तो सबसे ज़्यादा ज्ञानी, फिजिक्स का भी ज्ञानी, केमिस्ट्री का भी ज्ञानी, जूलॉजी का भी ज्ञानी, तो ये धृष्टता होगी। और शायद इस धृष्टता का करने का दुस्साहस तो मेरे अंदर नहीं है। मगर आप सभी गुरुजनों से ज़्यादातर तो हमको सेवानिवृत्ति दिख रहे हैं और कुछ नौजवान भी हैं जो सेवा में हैं। आप सभी से एक अनुरोध जो लगातार मैं देवन से कर रहा हूँ, प्रथम दिन से कर रहा हूँ, आपकी वेतन विसंगति दूर हो, सरकार आपके साथ है, मंत्री आपके साथ है, हमारे नीतीश बाबू, पता है पिछले दिन 4 दिन पहले समीक्षा बैठक हुई थी, हमारे अधिकारियों ने कहा कि सर पैसे की दिक्कत है, और मुझे यह बताते हुए अति गौरव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा से मैं कोई समझौता करने वाला नहीं। मगर ये तो मानना पड़ेगा ना गुरुजनों कि वेतन बढ़ेगा तभी वर्कक्ष लगेगा, वेतन विसंगति दूर होगी तभी वर्कक्ष लगेगा, या स्थानांतरण नीति दुरुस्त होगी तभी वर्कक्ष लगेगा। मैं इसके साथ खड़ा नहीं हूँ। मैं एक शिक्षक के रूप में इतना समझता हूँ कि हर आदमी इंस्टाइन नहीं हो सकते, बाबा भीमराव अंबेडकर नहीं हो सकते, लेकिन जितना ही सरस्वती ने आपको ज्ञान दिया है, जितने ही बच्चे हैं, आप आज पढ़ाना शुरू कर दें, 1 महीना के अंदर देखिए बच्चों की संख्या कितनी होती। कल के अखबार में बक्सर में छपा, एक अधिकारी गए हैं हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, वो हमारे PS हुआ करते थे, महेंद्रपाल जी वहाँ DDC हैं, वो खुद क्लास लेने लगे, 200 से 700 बच्ची हो गई। आखिर कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है,
मैं कमी बताने नहीं आया हूँ, मगर यह अनुरोध करने आया हूँ आपके माध्यम से संपूर्ण शिक्षा जगत के से जुड़े हुए अधिकारियों से, पदाधिकारियों से, कर्मचारियों से और सबसे ऊपर गुरुजनों से, सनातन धर्म में आपसे बड़ा कौन स्थान रखता है? ये कालांतर में ये कमजोर पड़ी व्यवस्था, उसको दुरुस्त करनी। कबीर दास जी ने कहा कितनी अच्छी अच्छी बातें,